हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में अपने पास है मारुति सुजुकी अर्टिगा वीएक्सआई सीएनजी, यानी कि इंडिया की सबसे बेहतरीन सेवन सीटर कार। पेट्रोल या डीजल में और कई सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन सीएनजी के साथ में कोई भी सेवन सीटर गाड़ी आपको नहीं मिलती है। और इसीलिए ये गाड़ी भाई लोगों के दिलों पर राज करती है, क्योंकि सेवन सीटर के साथ में बढ़िया स्पेस और बढ़िया फीचर के साथ में ये गाड़ी मिलती है। साथ ही साथ जो प्राइसेस हैं वो भी भाई बढ़िया इस गाड़ी के हैं, उस हिसाब से कि सेवन सीटर गाड़ी आपको मिल रही है, और वो भी मारुति अर्टिगा वीएक्सआई सीएनजी। सीएनजी में बढ़िया माइलेज आपको मिल जाती है, और कहीं ना कहीं काफ़ी किफ़ायती गाड़ी आप लोगों के लिए ये गाड़ी साबित होती है। और आज के वीडियो में इसी गाड़ी का जो ओनरशिप रिव्यू है वो करने वाले हैं। सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। अनुप जी हमारे साथ हैं, इनका भी यूट्यूब पे चैनल है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो भाई से मिलते हैं। हेलो अनुप जी। हेलो सर, वेलकम टू डीएसडी कार्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अनुप जी, बहुत बहुत मुबारक, आपने गाड़ी ली है। कितने दिन हो गए आपको गाड़ी लिए? सर मुझे हो गए पूरे 8 महीना। 8 महीने हो गए? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अभी तो खैर नई दिख रही है, तो बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है। कैसी क्या गाड़ी आपको लगी मारुति अर्टिगा, अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूँ फैमिली यूज़ के लिए? सर गाड़ी का जो ये जो अर्टिगा है, अच्छी कार है, और मेरा जो एम था लेने का कार वो यही था कि मुझे एक स्पेशियस कार मिल जाए जी। और माइलेज मेरी अच्छी मिले मुझे, क्योंकि जो मेरा ट्रैवल रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए मुझे एक ऐसी कार चाहिए थी जो मुझे अच्छी माइलेज निकाल के दे दे। तो अगर अर्टिगा में मान लो सीएनजी का ऑप्शन नहीं होता, फिर भी आप अर्टिगा लेते? नहीं, फिर नहीं लेता मैं। नहीं लेते? हाँ। क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ कि इस गाड़ी की जो इतनी मार्केट बनी हुई है, इतनी जो वेटिंग चल रही है एक एक साल की, वो कहीं ना कहीं सीएनजी के पीछे ही है, क्योंकि सीएनजी में सेवन सीटर में कोई भी और ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा मार्केट में किसी भी गाड़ी में। ये अकेली गाड़ी है जिसमें सेवन सीटर में मारुति ने सीएनजी दे रखी है। जी जी बिल्कुल। बाकी अगर मैं इंजन की बात करूँ कि पावर कैसी क्या आपको मिलती है मारुति अर्टिगा सीएनजी में, तो उसके बारे में आप क्या फील करते हैं? पावर सर बहुत बढ़िया पावर है इसमें, हम लोग 6 लोग भी बैठे हुए हैं, इवन 7 लोग भी हम इसके अंदर बैठे हुए हैं। और सीएनजी के बाद जब मैंने इसको चलाया है ना, तो इसमें अच्छी खासी जो है वो पावर मिल जाती है मुझे, मतलब कि मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि इसमें सीएनजी भी लगी हुई है। और अगर आप 7 लोग मान लीजिए बैठे हैं गाड़ी में, तो उस हिसाब से कितने का परफॉर्मेंस मिल पाती है, कैसी क्या पावर दिखाती है गाड़ी? पावर के मामले में सर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई मुझे अब तक, और बिल्कुल भी पता नहीं चला इसमें सीएनजी है या नहीं है। अच्छा, शायद इसका मुझे ये भी लगता है कि ये अभी न्यू कार है इसलिए। नहीं नहीं, 1462 सीसी का इंजन है, अब बढ़िया बीएचपी भी गाड़ी में आपको मिलती है, तो पावर पूरी है। 7 आदमियों को बैठने में ऐसा कोई इशू नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं होती सर। हाँ, क्योंकि बीच वाली सीट भी आगे आप आगे पीछे कर सकते हैं। स्पेस तो यहाँ पे सर आपको अच्छा खासा मिल जाता है, स्पेस के मामले में कोई इशू नहीं है सर। तो अगर मान लो किसी की फैमिली में 5 या 6 लोग हैं, थोड़ा बहुत सामान भी ले जाना, तो उसके लिए कैसी गाड़ी रहेगी? बढ़िया रहेगी सर। स्पेस में तो सर मैं कह रहा हूँ कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई है, जो भी पर्सन बैठा है ना इसमें उसने यही बोला है कि भाई स्पेस में तो भाई मजा, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो अगर मैं बात करूं आपसे बूट स्पेस की, कि बूट स्पेस कितना क्या आपको गाड़ी में मिल जाता है, क्या आप उस हिसाब से इस गाड़ी के बूट स्पेस से सेटिस्फाई हैं सेवन सीटर गाड़ी होने के साथ साथ? सर वैसे भी ये कार 7 सीटर कार है, तो उसके हिसाब से अगर देखें ना, तो उसमें अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है जी। आराम से इसमें 2 बैग से लेके 4 बैग तक आराम से आ जाते हैं। बाकी इसमें सिलेंडर भी रखा हुआ है पीछे, ये देखिए। हाँ, सिलेंडर तो मैंने देखा है कि काफ़ी कम जगह सिलेंडर ने घेरी है यार, बड़ी अच्छी तरह से फिट किया गया एक्चुअली ये सिलेंडर, तो ठीक स्पेस है। बाकी कोई मारामारी है नहीं, अगर फिर भी अगर लोग ज़्यादा है नहीं, तो जो ये सीट है पीछे की इनको डाउन भी कर सकते हैं। हाँ खैर, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। सेवन सीटर गाड़ी चाहिए, सीएनजी में चाहिए, तो फिर भाई बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ही है थोड़ा बहुत। ये तो है सर, कोई नहीं, फिर भी बक्स इतना भी वो नहीं है, बाकी समाना जाता है, और अब तक मुझे कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं है अब तक। अच्छा जी। और जो सर्विस कॉस्ट है, कितनी सर्विस आप करा चुके हैं? सर्विस सर अब इसकी 4th हुई है, परसों ही कराई थी मैंने। तो 4th सर्विस का क्या खर्चा आया इसका? मेरा हुआ था सर 7,800 के आसपास हुआ था। अच्छा, 7,800 रुपये हुए हैं? 7,800 रुपये लगे। तो कोई डिस्काउंट वगैरह लेके नॉर्मल में इतना ही था? नॉर्मल ही हुआ था। अच्छा, तो 7,800 रुपये है। तो आपको कॉस्ट कितनी लगी, मतलब ज़्यादा लगी गाड़ी के हिसाब से या ठीक लगी? सही है सर, इसके अंदर जो सीएनजी का जो फिल्टर होता है वो भी चेंज हुआ था, उसका ही मतलब कि 2200 रुपये के आसपास का था वो। अच्छा, फिल्टर तो उसका कॉस्ट बढ़ गया था, बाकी तो सर जो नॉर्मल होता है सेम वही था इसका भी। जी जी, कॉस्ट सर ठीक है,
तो ज़्यादा नहीं लगी मुझे इतनी। और जो चलाने में कंफर्ट है ड्राइविंग सीट पे, जैसे आप बैठते हैं, आइए एक बार ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। तो चलाने में जो कंफर्ट है या सीट का कंफर्ट है, क्योंकि वैसे मैं जो देख पा रहा हूँ कि काफ़ी भारी भरकम सी सीटें यहाँ पे दी गई है गाड़ी में, तो उनको देख के आप क्या फील करते हैं, कैसा क्या कंफर्ट आपको मिलता है ड्राइविंग करते टाइम? सर सीट एक्चुअली में इसके ना बहुत बढ़िया है। इससे पहले मेरे पास ऑल्टो थी K10 जी, तो मैं K10 से सीधा ही अर्टिगा पाया हूँ। अच्छा, मेरे पास भी K10 थी। तो K10 की आपने भी देखी है सीट कैसी होती है, तो उसके हिसाब से सर सीट बहुत बढ़िया है। एक सेकंड होल्ड करना जी। अगर उसके हिसाब से मैं देखूं तो पहले मेरे पास थी ऑल्टो, और अब ऑल्टो वाला आदमी सीधा अगर इसमें बैठेगा तो मुझे तो बहुत अच्छा खासा इसके अंदर मज़ा आता है बैठने में। बिल्कुल बिल्कुल। और जो गियर शिफ्टिंग वगैरह है या जो स्टेयरिंग की स्मूदनेस है, ब्रेक है, क्लच वगैरह है, उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करूं सर ब्रेक की ना, तो एज वी नो कि सर ब्रेक मारुति के इतने खास मुझे नहीं लगे। अच्छा, थोड़ी कम लगते हैं। दिक्कत है, हाँ थोड़े। अच्छा, लगते हैं जी। बाकी स्टेयरिंग अगर मैं बात करूं, स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है, मजे आते हैं, और ओवरऑल गाड़ी ठीक है, ड्राइविंग में भी गाड़ी बहुत बढ़िया है। गियर शिफ्टिंग वगैरह सॉफ्ट है? सॉफ्ट है सर। तो अनूप जी, जो एसेसरी वगैरह हैं वो भी मैं आपकी गाड़ी में देख पा रहा हूँ यहाँ पे, एलॉय व्हील वगैरह भी आपने लगवाए हैं, तो काफ़ी सारी एसेसरीज भी आपने लगवाई है, तो शोकिया लगवाई है या कैसे? सर कुछ शोक भी है, और कुछ जैसे हमने ली थी कार, तो मतलब कि वो लोग दे भी रहे थे लगा के एसेसरी पैक। हाँ, बट सर ये जेन्युइन भी है, जैसे इसकी आप देख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रही है। सही, बहुत बढ़िया लगती है। तो सबकी सब एसेसरी शोरूम से ही लगी है, राइट? हाँ, 65,000 के लगभग है। मैंने सारी जो लगी है वो सारी जेन्युइन मारुति की है। चलिए बहुत बढ़िया। खैर, मारुति की जो लगी हुई चीज़ें होती हैं वो तो अलग ही एक उनका फील होता है, अलग ही वो चलती हैं, अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है। और जो रियर सीटिंग में, जैसे आप बीच वाली सीट पे बैठते हैं या सबसे पहली सीट पे बैठते हैं, तो जो पैर वगैरह में जगह है उसमें कितना क्या आराम मिलता है बैठने वालों को, किसी ने आपको फीडबैक दिया है साहब? अच्छा खासा लेग रूम है, बट जो तीसरी जो सीट है पीछे पीछे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। उसमें जैसे हम बीच वाली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसका ये फीचर आपको कैसा लगता है? ये बढ़िया सर, अच्छा फीचर है, स्पेस अच्छा खासा है, बट जो सबसे पीछे वाली सीट है ना, वो तो सर आपको भी पता है वहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस है नहीं। हाँ, दो आदमियों की सीट है वो, फिर भी मतलब ठीक ठाक बैठ जाते हैं। और सबसे पीछे वाली सीट को भी एक्चुअली एडजस्ट कर सकते हैं पीछे की तरफ। और आपको बता दूं कि XUV700 में भी जो बीच वाली रो है उसको हम आगे पीछे स्लाइड नहीं कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको इसी में मिलता है, फीचर है। या अब किया कैरेंस जो आई है 2022 में, अभी अभी जो लॉन्च हुई है, उसमें ये फीचर मिलता है कि आप उस सीट को आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो। जी जी जी। क्योंकि अगर आपको छोटा आदमी बीच में बैठ गया और लंबा पीछे है तो वो तो बैठ ही नहीं पाएगा, तो उसमें सीट को आगे पीछे हम करके बैठ सकते हैं। ये काफी अच्छा फीचर मुझे भी लगा इस गाड़ी का। बाकी ओवरऑल आपको ऑन रोड कितने में पड़ी थी सर गाड़ी? सर ऑन रोड अगर मैं बताऊं तो ये मुझे पड़ी थी 1050 की, और बाकी जो अमाउंट लगा था वो मेरा एसेसरीज का लगा था अलग से। हाँ, 1050 प्लस एसेसरीज, यानी कि 11,10,000 के लगभग। बिल्कुल। और आज की डेट में 15,000 के एसेसरी पैक के साथ में ये गाड़ी पड़ रही है 11,38,000 रुपए की। हाँ, क्योंकि प्राइस बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सर। हाँ, अगर अब हम 65 के लगवाते हैं तो यही वो 1170 पे जाएगी लगभग। हाँ, 60-70 का फर्क है ही है, बढ़ गया है उतना पैसा तो। फिर भी खैर, एसेसरीज के साथ में आपने अंदर भी जो फिटिंग वगैरह करा रखी है, मैट वगैरह लगवा रखे हैं, काफ़ी अच्छा आपने मेंटेन किया है गाड़ी को उस हिसाब से, साफ सफाई के हिसाब से भी और एसेसरी वगैरह लगवा के भी, क्योंकि देखने में काफ़ी ज़बरदस्त आपकी गाड़ी लगती है यहाँ पे। अब एसेसरी लगने के बाद थोड़ी लुक तो खैर बनी जाती है, ये तो है सर, ये तो है। हाँ, एक्सेसरी के पैसे हमारे लगते हैं उस टाइम, तो हमें लगता है कि यार हमने एक्सेसरी लगवा ली है, लेकिन जो एलॉय व्हील है या क्रोम फिनिश वगैरह है, डोर वाइजर है, रियर स्पॉइलर है, वो देखने में वैसे काफ़ी बढ़िया लगता है। इससे सर, इससे इस गाड़ी की लुक बहुत अच्छी बनती है, स्पेशली जो इसके एलॉय व्हील्स और ये स्पॉइलर, बहुत शानदार लुक आती है इस गाड़ी की। बिल्कुल आती है सर, बिल्कुल आती है, देखने में ऐसा लगता है कि हाँ यार ज़बरदस्त गाड़ी लग रही है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप अर्टिगा से कितने खुश हैं, कुछ शब्दों में बताएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अर्टिगा CNG के बारे में? सर अर्टिगा बहुत अच्छी कार है और मज़े आ रहे हैं, खासकर माइलेज को लेके।
अच्छा, क्योंकि आज आपको भी पता है सीएनजी का पेट्रोल का भाव जो है रेट बढ़ चुका है जी, है ना। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक माइलेज वाली कार है, बट हाँ बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो थोड़ा सा लैक करती है। जैसे मैं बात करूँ इसकी डोर की, स्टार की क्वालिटी है ना इसकी, थ्री स्टार है। अगर मैं बात करूँ इसकी डोर की ना, तो बहुत हल्के से फील होते हैं। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत है नहीं वैसे, बट थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी को लेकर है कंसर्न। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी कमी जो आप ये सोचते हैं कि इस गाड़ी में नहीं होती तो और बढ़िया होता, ऐसा कोई कमी महसूस होती है आपको गाड़ी में? नहीं सर, अभी तक मुझे कोई ऐसा फील इसके अंदर हुआ नहीं है, बट आगे देखते हैं। कुछ भी ऐसा कौन सा नहीं आपको लगता है गाड़ी में अर्टिगा में? मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ सर अब तक तो। वाकई में कमाल की बात है, अगर एक ओनर इतना सेटिस्फाइड है अपनी गाड़ी से कि एक कमी बतानी भारी पड़ रही है, सस्पेंशन वगैरह में कोई आवाज आती हो, इंजन में कोई आवाज आई हो, अभी तक कुछ ऐसी दिक्कत आई नहीं है। अगर आएगी तो फिर देखेंगे, कभी आगे सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू हुआ हो कभी जब से आपने गाड़ी ली है? नो सर, कभी नहीं। कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी भाई देख सकते हैं कि जो ओनर है वो इतने सेटिस्फाइड हैं अपनी अर्टिगा सीएनजी से कि एक कमी बतानी उसको उनको भारी पड़ रही है कि इस गाड़ी में क्या कमी है, तो एक भी कमी आप उनके मुंह से यहाँ पे नहीं सुन पाए। और वाकई में कई लोगों से मैं भी मिला हूँ जिनके पास की अर्टिगा सीएनजी है, वो भी यही कहते हैं कि सर्विस के अलावा इस गाड़ी ने भाई आज तक कुछ भी नहीं मांगा है। कोई ऐसी कैबिन नॉइज भी नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, सस्पेंशन का इशू नहीं है। जैसे कि वैगनार सीएनजी में आपने सुना होगा कि अगले वाला जो सस्पेंशन है उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, लेकिन इनको वो भी यहाँ पे फील नहीं होता है। तो भाई बढ़िया गाड़ी है, ज़बरदस्त गाड़ी है अर्टिगा सीएनजी। आप लोग भी अगर सेवन सीटर गाड़ी लेना चाहते हैं तो अर्टिगा सीएनजी की तरफ आसानी से जा सकते हैं। और अब आपको बता देता हूँ कि जो अनूप जी हैं उनका भाई अनु कुसुम व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, इनकी खुद की अर्टिगा गाड़ी है, इसके बारे में भी इन्होंने रिव्यूज़ डाले हुए हैं और भी सारे कई सारे कार रिव्यूज़ ये करते रहते हैं। तो इनके चैनल पे आप ज़रूर जाएं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। अगर इनका कंटेंट आपको बढ़िया लगता है तो भाई इनके चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनको अपना सपोर्ट भाई देते रहें। तो अनुप जी आप भी एक बार सब्सक्राइबर भाइयों से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आपके चैनल पे आके सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए। हेलो दोस्तों, एज यू नो जैसा भी सर ने बताया, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है अनु कुसुम व्लॉग्स के नाम से जी। तो अगर आपको कार रिव्यूज़ में मज़ा आता है, अगर आप उस प्रकार का कंटेंट देखते हैं तो आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं, और मैं भी अच्छी खासी वीडियो बनाता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं वीडियोज़। चलिए, तो भाई इनकी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका चैनल आपको बढ़िया लगे, इनका कंटेंट बढ़िया लगे तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट भाई देते रहें। तो यही था आज का वीडियो मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी वीएक्सआई का, कि जो कि सेवन सीटर में भाई आज के दिन में सेगमेंट में किंग है और इसके जैसी कोई भी गाड़ी आपको दूसरी नहीं मिलती है। ओनर से फीडबैक आपने ले लिया कि कितनी बढ़िया गाड़ी है, वो बहुत ही खुश इस गाड़ी से हैं उस हिसाब से। तो आप भी अगर सेवन सीटर गाड़ी लेना चाहते हैं तो अर्टिगा सीएनजी की तरफ बिना टेंशन लिए जा सकते हैं। यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।